अफीम तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। चतरा एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पथरगड्ढा पुलिस ने सुदूरवर्ती मेराल क्षेत्र से एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। अफीम तस्कर के पास 2 किलो गीला अफीम और एक मोबाइल सेट बरामद किया गया है। इसी मामले को लेकर सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने पथरगड्ढा थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चतरा एसपी को मिली सूचना के बाद एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल में सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी, पथरगड्ढा थाना प्रभारी बम कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक दिलीप यादव, आईआरबी के जवान, सीसीएनटीएस ऑपरेटर समेत अन्य शामिल थे। मेराल क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाकर एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 2 किलो गीला अफीम मिला है। तस्कर का नाम राजू तुरी, पिता धनेश्वर तुरी है। वह मेराल का रहने वाला है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को चतरा जेल भेज दिया गया है। पथरगड्ढा थाना क्षेत्र के मेराल गांव में राजू तुरी के यहाँ अवैध अफीम होने की सूचना प्राप्त हुई। इस संदर्भ में हमारे पुलिस अधीक्षक महंत द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया था। छापामारी दल ने उनके घर की घेराबंदी कर ली। उस व्यक्ति को पकड़ने में कामयाब हो सकी तथा उनके घर से 2 किलो अफीम गीला अफीम बरामद करने में कामयाब हो सकी। उनके पास से एक मोबाइल भी जब्त किया गया है तथा उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की। मान्य न्यायालय में उनको अभिशाल की नहीं। पथरगड्ढा तो उस खेती के मामले में भी कहीं उस तरह की सूचना प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन पूरे चतरा जिला में हम लोग लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लोगों को कानून से संबंधित प्रावधानों के बारे में जानकारी दे रहे हैं तथा अफीम से होने वाले जो नुकसान है उनके संदर्भ में उनको जानकारी दी जा रही है। उनको ये भी बताया जा रहा है कि इसे अवैध अफीम के संदर्भ में जो भी संपत्ति उनके द्वारा अर्जित की जा रही है इनको जब्त करने का भी काम निर्भर करते हैं, जिस संदर्भ में हमारी चतरा पुलिस बहुत बेहतर काम कर रही है। पथरगड्ढा थाना क्षेत्र के मेराल गांव के एक व्यक्ति रहने वाले हैं जिनका नाम राजू तुरी है। उनके घर में अवैध अफीम होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया था। छापामारी दल ने उनके घर को घेराबंदी करते हुए उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की तथा उनके पास से उनके घर में से लगभग 2 केजी अवैध अफीम बरामद करने में कामयाबी हासिल की। साथ ही साथ उनके पास एक मोबाइल भी जब्त किया।